अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, एज आई प्रॉमिस्ड यू दैट आई विल टेल यू अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ मलाज्मा। एक्चुअली कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री पर जाते हैं, मलाज्मा है क्या। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो प्लेंटी ऑफ वाटर पिए आप, ठीक है। अच्छा जी, मलाज्मा एक जो है हार्मोनल इम्बैलेंस प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन के ऊपर, और ये मेलानिन हार्मोन है जिसकी एक्टिवेशन से होती है। जैसे ही सन रेज आती हैं, मेलानिन पिगमेंट जो डार्क टोन इवेलुएट करता है हमारी स्किन के अंदर, ठीक है, वो जो है एक्टिव हो जाता है। और एक्चुअली ये यूज़फुल है, बेनिफिशियल है मेलानिन पिगमेंट, ये स्किन कैंसर से बचाता है, ठीक है। इसका एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिसके अंदर मेलानिन पिगमेंटेशन, मेलानिन हार्मोन ज़्यादा होता है, उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, और उनको स्किन कैंसर का जो प्रॉब्लम है वो कम से कम फेस करना पड़ता है। और जिनके पास मेलानिन पिगमेंट कम होता है, उनका कॉम्प्लेक्शन फेयर वाइटिश होता है, एज वी कैन सी ये ठंडे इलाकों में जो हमारे वो हैं अमेरिका कनाडा के लोग हैं, उनके इलाके ठंडे होते हैं और उनके फेयर कलर होते हैं, क्योंकि मेलानिन की पिगमेंटेशन जो होती है, सूरज नहीं निकलता, इलाका बहुत ठंडा होता है, तो मेलानिन हार्मोन्स जो होता है उसकी सेक्रीशन जो होती है वो कम होती है। हमारे इलाके गर्म है, इन इलाकों में मेलानिन की सेक्रीशन ज़्यादा होती है, क्योंकि सन जो है स्कॉर्चिंग ज़्यादा होती है सन की, तो हमारी जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क होते रहते हैं। मेरी बेटी इस वक्त मुझे घूर घूर के देख रही है, ठीक है। अच्छा खैर, मलाज्मा आ जाता है स्किन पे, ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है ड्यू टू सन बर्निंग, ठीक है, वो मलाज्मा होता है। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, वो भी मेलानिन की ही वो है, इम्बैलेंस सिचुएशन है हार्मोन्स की ही, और उसको हम क्याज्मा भी कहते हैं, ठीक है। आज आपके लिए मैं लाई हूँ वो राज जिससे मलाज्मा जो है जल्दी बेहतर हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है। वैसे तो अगर प्रेगनेंसी में हुआ तो 2 मंथ में ठीक हो जाता है, 2-3 मंथ में, अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप अच्छी ग़िज़ा ले रहे हो तो, ठीक है। और अगर साथ साथ आप जल्दी ये दूसरी चीज़ें यूज़ करो तो ये बेहतर भी हो जाता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये देखें, ये है जादुई सीड्स हैं, ये फ्लैक्स सीड्स होते हैं, अलसी जिसको कहते हैं, इसका बड़ा मज़ेदार नट्टी सा फ्लेवर होता है, ठीक है, ये नट्टी फ्लेवर होता है इसका, ये मज़ेदार सा नट्टी सा फ्लेवर होता है। और ये है हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम, ये वाली क्रीम, ये इसके अंदर क्रीम के अंदर हाइड्रोक्विनोन, ठीक है, और फ्लूसिनोलोन, ये जो है ये फॉर्मूला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी स्ट्रॉन्ग है, इससे मलाज्मा कम हो जाएगा। अच्छा, इसको यूज़ कैसे करना है, सबसे सस्ती क्रीम मलाज्मा के लिए यही है, 2 मंथ में ठीक हो जाएगा। इसको यूज़ कैसे करना है, अच्छा, इसका एक मटर के दाने के जितना, ठीक है, साइज़ जो है क्रीम की जो क्वांटिटी है, दैट इज़ इनफ। आपने फेस को वॉश करना है फर्स्ट डे अच्छी तरह, रात को, नाइट क्रीम है, रात को लगानी है आपने, ठीक है, फेस को वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने फर्स्ट डे 10 मिनट्स अप्लाई करनी है, सेकंड डे आपने जो है 20 मिनट्स, थर्ड डे 30 मिनट्स, एंड देन ऑनवर्ड्स आपने इसका टाइम बढ़ाते जाना है। आफ्टर 15 डेज़ यू मस्ट अप्लाई इट होल नाइट, ठीक है। ये सबसे सस्ती क्रीम है इस वक्त, ये 132 रुपीज़ में मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, और जो है यहाँ 132 रुपीज़ में अवेलेबल है मार्केट के अंदर। और जो है इस क्रीम हाइड्रोक्विन प्लस इसका नाम है, ठीक है, और फ्लैक्स सीड खाएं, फ्लैक्स सीड आपने मॉर्निंग में खाने हैं, 1 चम्मच नहार मुँह पानी के साथ, और ये बड़े मज़े के नट्टी सा फ्लेवर होता है, ठीक है। ये भी स्किन के लिए, मलाज्मा के लिए, हार्मोन बैलेंस के लिए बहुत अच्छे हैं, एंटी एजिंग है इसके अंदर, ओमेगा D3 गुड फैट्स होते हैं, ठीक है, वाइटामिन ई है, ठीक है, जो आपको यंग रखता है, और फैटी एसिड्स हैं इसके अंदर ओमेगा D3, ठीक है, ये आपको अच्छा रखते हैं, बड़े मज़े के होते हैं, मैं बहुत शौक से खा रही, मेरे बच्चे भी बड़े शौक से खा रहे हैं। अच्छा जी, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा जादुई है, स्किन के लिए, ये आपके लिए आपने पानी के साथ लेना है 1 चम्मच रोज़ाना, और उसको अच्छी तरह आपने ग्राइंड करके माउथ में ही आपने इसको या तो ग्राइंड करके रख लें या इसको च्यू करना है अच्छी तरह आपने, ठीक है, अच्छी तरह आपने टीथ की मदद से आपने इसकी ग्राइंडिंग करनी है। तो ये 2 चीज़ें थी जो मलाज्मा के लिए बेहतर है, बेहतरीन है, मलाज्मा हो या काज्मा हो, जो भी आपके स्किन पर आया है धूप से या हार्मोनल इम्बैलेंस से, प्रेगनेंसी की वजह से, तो ये 2 चीज़ें आपको बेहतर करेंगी। अच्छा,
इसको आपने अप्लाई कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डेली नाइट में आपने करना है, फर्स्ट डे 10 मिनट्स आफ्टर वॉशिंग योर फेस। इसके अंदर इस रेडनेस आती है फेस पर, डोंट वरी, हल्की फुल्की रेडनेस इसके उसमें मौजूद है, ठीक है, इसके इफ़ेक्ट्स में मौजूद है, इसके गुड इफ़ेक्ट्स में मौजूद है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इच होती है, बहुत ज़्यादा रेडनेस होती है, तो उसको आप जो हैं अपने डॉक्टर से मशवरा करें या उसको कम कर दें, ठीक है। लेकिन अदरवाइज़ इट इज़ सेफ। इट हैज़ टू मेन फार्मूला दैट इज़ नेसेसरी फॉर रिमूविंग और फॉर गेटिंग रिड ऑफ मलाज़मा। थैंक यू सो मच। ये थी, देखिए अब रिजल्ट्स क्या आते हैं, मैं भी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। सीरम मुझे डॉक्टर ने लिख के दिया है, सीरम का नाम इवर है, इवर फ्रेश, ठीक है, वो सीरम है और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वो तकरीबन 2300 का सीरम बॉटल है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं काफ़ी इफेक्टिव है, न्यू आया है मार्केट में। लेट्स सी, मैं भी ट्राई करूँगी, मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं तुम्हें लाकर दूँगा, उसको भी यूज़ करना, लेट्स सी। लेकिन अदरवाइज़ दिस क्रीम इज़ बेस्ट, मैंने पिछली 2 प्रेगनेंसीज़ में भी यूज़ की है, 2 बेबीज़ में भी यूज़ किया, दिस क्रीम इज़ वेरी बेस्ट, ठीक है। और क्या करेगी मार्क, हल्के 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 ये इफेक्ट को, मेलानिन के इफेक्ट को ये ख़त्म करती रहेगी, माइल्ड करती रहेगी, ठीक है। अप्लाई कीजिएगा बैकग्राउंड म्यूजिक्स के साथ, ठीक है। वॉइस ओवर नहीं की, दिल नहीं चाह रहा था, दिल चाह रहा था लाइव टॉक करूं और आपको ये अच्छी सी जो 2 चीज़ें हैं वो शेयर करूं। डाइट अच्छी रखिए, विटामिन सी की डिपोजिशन ज़्यादा करें, ठीक है, विटामिन सी बढ़ाएं, आयरन बढ़ाएं, मलाज़मा को, डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। फल खाएँ, सब्ज़ियाँ खाएँ, पानी पिए, खुश रहें, जिस हाल में भी रहें अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, क्योंकि उसने हमें बहुत सोच अच्छा रखा हुआ है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।